तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोजी क्लासेस। तो आप लोग को बताइए, ये जो क्लासेस है क्लास 10th की एचईसी बोर्ड की क्लासेस चल रही हैं, और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में। तो लगभग पूरा चैप्टर की थ्योरी क्लासेस हो चुकी हैं, थ्योरी क्लासेस पूरी कंप्लीट हो गई हैं, अब इसके न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। न्यूमेरिकल में मैंने कल लास्ट डेट में आप लोग को एक न्यूमेरिकल बताया था पार्ट 5 में, और ये आज पार्ट 6 लेक्चर है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल सेशन में बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ में इस तरह से जुड़ करके डायरेक्ट कोचिंग के थ्रू, देखो आप लोग की प्रॉब्लम इस समय क्या है कि इस समय कॉलेज स्कूल्स भी आपके नहीं चल रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि कोचिंग भी लगभग पूरी बंद चल रही है, ठीक है। और दिक्कत यह है कि आप लोग कहीं भी आ जा सकते नहीं है दूरी में। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव सेशन है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो वीडियो कॉल और चैट के थ्रू अपने डाउट यहीं पूछ सकते हैं, सारी क्लासेस कर सकते हैं, मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्लास में बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन सब चीज का मिलेगा, और बाकी वीकली टेस्ट भी होंगे, सारी सुविधाएं यहाँ पे टीचमेंट पे उपलब्ध है। तो आप अगर टीचमेंट में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे वेबसाइट का लिंक दिया होगा, जाके वहाँ डेमो वीडियो देख लें और उसे एक्सप्लोर कर लें। इसके बाद मेरे से कॉन्टेक्ट करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, या फिर उसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया, आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की। बताओ तुम लोग, बाकी लोग कहाँ हैं? गौरव आ गए हैं, उत्कर्ष आ गए हैं, और कौन आ गया है? हंस आ गए होंगे, सूरज कहाँ है भाई? अच्छा, बोलो सूरज कहाँ है, किसी को पता है कुछ? अच्छा, चलो बढ़िया। ये मुझे बताओ तुम लोगों की कौन कौन सी डाउट है, कल जो क्वेश्चन दिया था वो तो समझ में आ गया था ना, कल जो कराया था, है ना भाई? देखो जिनका जिनका लेक्चर छूट गया है वो लोड ना लें, ये वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, और इसके रिकॉर्डिंग सेशन यहाँ भी उपलब्ध है। समझ में आया, यहाँ भी उपलब्ध है, तुम लोगों को लोड लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उनका पता नहीं भाई, वो बिजी आदमी है ना, बड़े लोग गायब रहते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे जब अटेंडेंस की रिपोर्ट जाएगी तब समझ में आएगा कि कैसे रहते हैं। अटेंडेंस टीचर्स का बहुत जबरदस्त है, समझ रहे हो, पूरा एक दिन में कितनी देर तुमने क्लास ली वो भी बताता है, कितने परसेंट क्लास ली वो भी, समझ रहे हो, तो एक एक चीज बताता है, ठीक है। तो उसका लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ देखो, मेरे पास न्यूमेरिकल्स के डाउट फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दो, मेरे पास सामने बुक खुली हुई है, ठीक है। अपने अपने डाउट के नंबर क्वेश्चन नंबर भेज दो, लगाए कि नहीं लगाए पहले इतना बताओ। गौरव तुम तो छोड़ो ही, तुमने तो अभी लगाए नहीं होंगे। उत्कर्ष क्वेश्चन लगाए थे, जल्दी बताओ। लगाए थे कि नहीं इतना बताओ पहले। नहीं लगाए? हाँ भैया, जितने लगाए थे उतने लग गए। अच्छा, एक आध क्वेश्चन लगाए वो तो लग ही गए होंगे। अंश तुम बताओ, अंश बेटा बताओ फटाक से, लगाए थे कि नहीं लगाए थे? अभी अंश बोलेगा भैया नहीं लगाए थे, क्यों? तीन किए थे बस, बहुत अच्छे, तीन करके हाई स्कूल का बोर्ड दोगे, है ना? हाँ बेटा, एक दिन में चेक साइज खत्म हो रही है, तो अगले दिन में आपका फर्ज बनता है कि आप उसे खत्म कर लो, ठीक है। मेरे पास कुछ डाउट्स हैं, है ना, मेरे पास कुछ डाउट हैं, मैं उन्हें क्लियर कर दे रहा हूँ, बाकी लोगों के हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ डाउट है बाकी लोगों के, मैं उसे क्लियर कर दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग अपना उसी में तुम्हारे कवर हो जाएंगे, ठीक। बाकी लगाते रहना भाई, लगाओ, क्योंकि देखो पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए, समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब, उनको तो मतलब है ही नहीं तुम्हारे तुम्हारे पढ़ने ना पढ़ने से। एग्जाम आएगा, फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम हो जाएंगे, कंडक्ट हो जाएंगे, पास हो जाओगे, बस घरे रह जाओगे, यहीं बैठे रहोगे। तो इसलिए भैया पढ़ लो, ठीक है, पढ़ना ना पढ़ना सब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में दे दिया है। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ो, कुछ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक। तुम्हारे पास ले दे के एक ही काम बचा है इस समय, इतनी तरह से घर में पैक को ले दे के एक ही काम बचा है, पढ़ना। कितनी पिक्चरें देखोगे यार यूट्यूब पे, वो भी खत्म हो गई होंगी, बोर हो गए होगे यूट्यूब पे, इतना इतना फालतू कंटेंट पड़ा हुआ है, देख देख के आंखें दर्द करेंगी बस। भाई जो गेम खेल रहे हैं उनका क्या ही कहना है, उबते नहीं हो क्या गेम खेल खेल के, समझ गए? तो पढ़ लो, पेपर तो होंगे, ठीक है, आने वाले टाइम पे पेपर हो जाएंगे। पेपर नहीं होंगे तो भाई किसी सी बात है, तुमको प्रमोट किया जाएगा, तो आगे चल के चीजें काम में आएंगी, तो तुम्हें दिक्कत होगी, तो अपनी दिक्कत दूर करने के लिए पढ़ लो, ठीक है ना? तो इसको पढ़ते जाओ, न्यूमेरिकल लगाते जाओ, और किसी के सहारे मत रहो कि कोई हमको पढ़ाएगा, आगे प्रोसीड करेगा तब पढ़ाएंगे। अब स्कूलों में क्या हो रहा है, इस बार क्या हुआ, देखो
पूरे साल क्लासेस नहीं हुई, आखिरी में एग्जाम कैंसिल हो गए। पहले कोर्स रिजेक्ट हुआ, एग्जाम कैंसिल हो गए। अब ये बच्चे जब अदर कुछ कॉम्पिटिटर के साथ बैठेंगे, जैसे तुम लोग एनटीएससी एनटीएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे होगे, उनके साथ जब ये बच्चे बैठेंगे तो इनकी हालत क्या होगी? कुछ भी नहीं आता होगा इनको, है ना, कुछ भी नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हाई स्कूल में जो लास्ट टाइम होता है बच्चों का क्रिटिकल टाइम, जहाँ पे वो कस के मेहनत करते हैं, एकदम से मेहनत करते हैं पूरी ताकत के साथ, और फिर जाके एग्जाम देते हैं, तो कुछ चीजें तो याद रह जाती है ना, पूरा सिलेबस 10-10 दिन में कवर कर देते हैं। वो वाला सिचुएशन तो आया ही नहीं इनकी लाइफ में। मौज मौज में आए, मौज मौज में निकल गए, काम खत्म हो गया। अब जब काम खत्म हो गया तो कुछ कर पाएंगे? कभी कुछ नहीं करेंगे, फिर परेशान रहेंगे, फिर कहेंगे भैया हमको ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है। अभी फर्स्ट ईयर में इनको एंट्री ले रहे हो, फर्स्ट ईयर में जितने लड़के गए हैं, ऐसे क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर में बच्चे जाते हैं ना हाई स्कूल से, 90% वाले, 80% वाले, वो तक तो पास होते हैं बिल्कुल लाइन पे, बॉर्डर लाइन पे जाके पास होते हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि अचानक से सिलेबस बढ़ जाता है, अचानक से हाई हो जाता है। जिनका बेस मजबूत नहीं होता हाई स्कूल में, वो धड़ाम से नीचे गिरता है। उनको समझ में नहीं आता मेरे साथ हुआ क्या, मैं तो 80% वाला था, 85% आए थे मेरे हाई स्कूल में, मैथ्स में इतने नंबर थे, यहाँ मैथ्स में नंबर ही नहीं आ रहे, समझ रहे हो? तो रीजन ये है। तो भाई तुम्हारे साथ ऐसी दिक्कत ना हो, अगर एक समस्या नहीं चाहते हो तो पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि आगे 12th तक तुम्हें करना ही करना है, 12वीं तक तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, कुछ भी करके। तो सब पढ़ो, समझ में आया? बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम देने हैं, ठीक है? अब तो ऑनलाइन का जमाना है, और बिना कॉम्पिटिशन के कुछ नहीं है तुम्हारी लाइफ में। बोर्ड के नंबर लेके भी क्या करोगे, गले में पहन के घूमोगे थोड़ी, उससे कुछ मिलना नहीं है। तो बोर्ड, लेकिन बोर्ड में पढ़ोगे, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस हर जगह आएगा, बोर्ड बेस है, तो पढ़ना सिलेबस तुमको यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बस ये समझ के पढ़ना पड़ेगा किस चीज के लिए पढ़ रहे हो, ठीक? तो चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारी बुक का, ठीक है? दे 6 नहीं बताए तो कौन सा बताए, जल्दी बताओ। 10वां क्वेश्चन नंबर 10th दे रखा है, कह रहे हैं अ वाटर पंप राइजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रो हाइट 25 मीटर, ठीक है? थ्रो हाइट 25 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप। क्या कह रहे हैं? देखो, अ वाटर पंप राइजेस 50 लीटर, एक वाटर पंप दे रखा है। वाटर पंप जानते हो क्या होता है? वाटर पंप दे रखा है ना, ये कर रहा है 50 लीटर वाटर ऊपर उठा रहा है। कितने लीटर वाटर, वाटर कितना है? 50 लीटर, 50 लीटर वाटर राइजेस कर रहा है, राइज कर रहा है। कहां तक कर रहा है भाई? हाइट दे रखी है 25 मीटर, हाइट क्या दे रखी है? 25 मीटर इन 5 सेकेंड, टाइम कितना है? 5 सेकेंड के अंदर 50 लीटर उठा रहा है, सोचो कितनी अच्छी कैपेसिटी है, ठीक? तो अब ये कह रहा है कि बताओ इसके तरह वर्कडन कितना होगा, वर्कडन कितना होगा, ठीक? तो देखो बहुत ही सरल है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। वर्कडन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब भाई देखो, अगर आपको अपने छत पे पानी चढ़ाना है, ठीक, पाइप के थ्रू चढ़ाना है, तो उस पानी के ऊपर कौन सा फोर्स नीचे की तरफ एक लगेगा, वो क्या लगेगा? mg, सेल्फ वेट की वजह से फोर्स लगेगा ना, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई पानी को ऊपर उठाने में उसको अपोज कौन करेगा? mg करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या लिख दे? mg प्लस ये हाइट है, तो हाइट कितनी हो जाएगी? h, अगर इसे हम h कर दे तो, ठीक, mg h हो जाएगी। तुमसे पूछा क्या है? पावर पूछा है। क्या पूछा है? पावर। तो पहले वर्क डन निकाल ले, पावर अपने आप निकल आएगी, क्योंकि हमें पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क डन चाहिए। अब बात तुम्हारी यहाँ बचती है, भैया एम कितना होगा, है ना? कुछ समझदार प्राणी है आप लोगों के, ये लिखा है 50 लीटर, यहाँ लिख देंगे, है ना, हो जाएगा। क्यों बताओ, सही है ना? बताओ, बोलो उत्कर्ष, यही लिख देंगे 50 लीटर। तो फिर क्या लिखेंगे? 50 लीटर है क्या? वाटर का वॉल्यूम दिया है ना, यहां लिखना क्या है? मास लिखना है, ठीक है? क्या लिखना है? मास लिखना है। बात समझ में आया? तो मास कैसे निकलेगा, मास कैसे निकलेगा? तो एक बात हम लोग जानते हैं क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही जानते हो?
ये फॉर्मूला जानते हो, है ना। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? 50 लीटर है। तो अब देखो 1 लीटर में कितने, 1 लीटर में है ना कितने मीटर क्यूब होते हैं, क्योंकि ये तो मीटर क्यूब दिया है। अब तुमको ये संबंध पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है, या 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, पता है कि नहीं? जल्दी बताओ। ये बात पता है 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, या 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये बात याद रख लेना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, समझ रहे हो? तो इस मीटर, ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 10^-3 मीटर क्यूब। तो अब इसे क्या करेंगे, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर लो? 1000 को 1000 रहने दो, किलोग्राम को किलोग्राम रहने दो, मीटर क्यूब को मीटर क्यूब रहने दो, मास को मास रहने दो, है ना, मास को मास रहने दो। यहाँ 50 × 10^-3 मीटर क्यूब कर दो, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब खत्म, ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ मास निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ मास निकल के आ जाएगा 1000 × 50 × 10^-3। तो ये -3 -3 कट के आया क्या, 50 आया क्या, 50। तो अब तुम क्या करोगे, W इज इक्वल टू 50 × g की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 10। g की वैल्यू क्वेश्चन में बता रखी है ना, ना बताया तो अपने हिसाब से मान लेना। g की वैल्यू इन्होंने 10 दे रखी है, और हाइट कितनी है, 25 मीटर। ठीक, सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 25 × 25 125, और 2 जीरो और, इतना क्या, इतने जूल आ गया, इतने जूल आ गया। बात समझ में, ये वर्णन आया, निकालना क्या है, पावर, निकालना क्या है, पावर। तो पावर में वर्क डन कितना आया, 125 00, और टाइम कितना दे रखा था, 5 सेकेंड, 5 से भाग कर दो, P इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 × 10 = 25, 250 वॉट, सॉरी 2500 वॉट। समझ आया कि नहीं आया, 2500 वॉट। अब देखो, अब कुछ लोग कहेंगे भैया हम तो डायरेक्ट 50 रख दी, तब भी हमारा आंसर आ गया था, है ना। ठीक है, देखो अब कुछ तो कहेंगे कि भैया हमने डायरेक्ट रख दिया तो भी आ गया था, भाई आ गया था, ठीक, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आया? क्यों, यहाँ से देखो एक बात समझ में आनी चाहिए आपको। अगर मैं यहाँ से 50 हटा दूँ, यहाँ से मैं 50 हटा दूँ, है ना, तो इसकी जगह पे 10^-3 रखूंगा। देखो इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम वाली बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ, अपने आप में क्लियर हो जाएगा। एक बात यहाँ से एक नई चीज निकल के आएगी, याद करना पड़ेगा। देखो क्या, 1000 इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, मास अपॉन लीटर लिखा है ना। तो अब हमको ये बात तो पता है ना कि 1 लीटर में 10^-3 होते हैं मीटर क्यूब, तो यहाँ रख दो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब इज इक्वल टू मास अपॉन 10^-3 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, 10^-3 इधर जाएगा, तो 1000 × 10^-3 किलोग्राम इज इक्वल टू, ये जो भी लिख दो मास, समझ में आया, तो 1 किलोग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है, 1 किलोग्राम मास आ जाएगा। चलो, खासा फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, यहां से कुछ नहीं निकल गया रहा, ठीक है। मैं सोच रहा था कुछ निकल गया था, लेकिन नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं, नहीं निकलेगा तो छोड़ दो, इतना याद रखो, ये लाइन याद रखना कि 1 लीटर क्यूब में 10^-3 मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। 10^-3 मीटर क्यूब का, या फिर ऐसा कह लो कि अगर आप 1 मीटर, मतलब 1 मीटर हाइट ले लो, और 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का क्यूब बनाते हो, 1 मीटर का एक क्यूब बनाते हो, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, समझ रहे हो? एक एक मीटर का अगर क्यूब बनाओगे तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। अब तुम कहते नहीं भैया हम उसमें कुछ और भरेंगे, हम तो उसमें मरकरी भरेंगे, तो उसके लिए डेंसिटी अलग हो जाएगी, समझ में आया, वो फिर अलग वॉल्यूम से आएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है भाई, और कौन सा क्वेश्चन है, बताओ डाउट आउट में।
अगला क्वेश्चन बता रहे हैं 12वें का थर्ड, 12वें का थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड कह रहे हैं, अ पंप इज यूज्ड इन लिफ्ट 500 किलोग्राम वाटर अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकंड, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द पावर एट द वर्क डन, द पावर रेटिंग ऑफ पंप इज एफिशिएंसी 40%, है ना टेक। अब देखो अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही कर रहे हैं, मैं अगला क्वेश्चन ना करा के मैं यही क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है यही पार्ट, उसमें क्या कह रहा है। ठीक है अगला क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको उसी इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दे रहा हूँ जो उसने पूछा है, यहाँ बता दे रहा हूँ। खाली नंबर का ही तो फर्क पड़ेगा भाई, न्यूमेरिक वैल्यू का ही तो फर्क पड़ेगा, बाकी सब तो हो ही जाएगा तुम्हारा। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि क्वेश्चन में यही सब कुछ दिया हुआ, डेटा ऐसे ही दिया बस वैल्यू चेंज है। कह रहा है कि इसमें पहला निकालो वर्क डन, क्या निकाल लो वर्क डन, निकालना सीख गए आप निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर कह रहा है पावर निकालो, वो भी निकाल लेंगे। अब ये कह रहा है एक लास्ट क्वेश्चन, द पावर रेटिंग ऑफ द पावर रेटिंग ऑफ द पंप, द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इट्स इफिशियंसी इज 40%, उसकी इफिशियंसी कितनी है 40% है ना। तो तुमसे पूछ रहा है, तो तुमसे तुमसे है ना, द पावर रेटिंग ऑफ द पंप यानी कि उसकी कितनी रेटिंग होगी, उसकी रेटिंग कितनी कितनी उसकी क्षमता होगी, कितना वो काम कर पाएगा वो तुम्हें बताना है, यूजफुल पावर कितनी निकल के आएगी। देखो होता क्या है, जैसे कोई मशीन है ठीक, किसी मशीन की पावर इतनी है, मान के चलो कि तुम हो मशीन, छोड़ो पहले तुम हो, तुम्हारी मान के चलो काम करने की क्षमता है दिन भर में, दिन भर में तुम 80% तुम्हारी इफिशियंसी है कि तुम 80% तक काम कर सकते हो, 20% कहाँ चला गया भाई, 20% कहाँ चला गया है ना। तो 20% क्या होता है, लॉस हो जाता है जो हम कभी रिकवर नहीं कर सकते। कोई मशीन है उसकी एफिशियंसी 100% नहीं होती है, मतलब जितना जितना उससे तुम काम, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना काम नहीं करा सकते, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा अदर चीजों में रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई कोई ना कोई चीजें अदर चीजों में रिड्यूस हो जाएगी, तो वही उसकी एफिशिएंसी जितना वो मैक्सिमम काम कर दे ठीक। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है और वो कितना हमको काम करके देगी, ये चीज निकालनी होती है ठीक है। तो देखो क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं इसमें, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द पावर रेटिंग ऑफ द पंप ठीक, क्या पूछ रहे हैं द पावर रेटिंग ऑफ द पंप है ना, द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इट्स इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%, इफ इट्स एफिशिएंसी एफिशिएंसी इज 40%, 40% है तो उसकी पावर रेटिंग कितनी होगी, है ना। यानी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना ऐसे जैसे परसेंटेज याद रखते हो, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुमको अपने परसेंटेज निकालने तो कैसे निकालते हो, अपना परसेंटेज कैसे निकालते हो, इसमें लिखेंगे यूजफुल पावर, यूजफुल पावर अपॉन पावर पंप, पावर इनपुट, पावर इनपुट कितना इनपुट दिया गया था और कितना, मतलब कि टोटल मार्क्स अपॉन जितने हमने गेन किए उतना ठीक है, टोटल मार्क्स अपॉन जितना हमने गेन किया उतना, ये चीज क्या कहलाती है, पावर एफिशिएंसी कहलाती है। कौन चला गया, उत्कर्ष कट गया क्या, ठीक है इधर देखो बात समझ में है, पावर रेटिंग का मतलब है कि भैया जी कितनी यूजफुल एफिशिएंसी हमको मिली, कितनी यूजफुल एफिशिएंसी हमको मिली, मतलब कितना कितनी पावर हमको मिली काम करके, आउटपुट कितना मिला, समझ में आया। इनपुट तो इतने हुआ, 2500 वॉट इनपुट था इसका, 2500 वॉट जैसे काम करने की क्षमता थी, लेकिन उसमें से असल में कितना काम उसने किया जो हमें दिख रहा है। भाई देखो अगर 2500 वॉट की शक्ति थी तो 2500 वॉट के हिसाब से 50 लीटर पानी भरी थी, है ना। लेकिन आप कह रहे हैं मशीन की एफिशिएंसी क्या है, केवल 40% है, मतलब मशीन की शक्ति अगर 25,000 है तो इसका 40% ही वो काम करेगी, बाकी सब वेस्ट जाएगा, समझ रहे हो। जैसे होता नहीं है कि कहते हैं कि 1 लीटर तेल में गाड़ी जो है वो 5 किलोमीटर चलती है ना, या ऐसा मान के चलो कि 1 लीटर में जो भी गाड़ी का एवरेज है तुम्हारा, कहते 5 किलोमीटर चलती है ठीक, ऐसा बता के भेजते हैं गाड़ी वाले, लेकिन क्या हर गाड़ी उतने किलोमीटर चल जाती है, नहीं ना, उसकी एफिशिएंसी टाइम के साथ घट जाती है, 1 लीटर में फिर वो 2-3 किलोमीटर ही जाती है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसा क्या हुआ भाई, इतना कम क्यों, उसकी तो एफिशिएंसी इतनी थी ना, मतलब उसकी ताकत तो इतनी थी, इनपुट उसकी पावर इतनी थी, लेकिन काम कितना किया, कम किया,
तो वो कितना काम किया वही निकालना है, तो जितना किया उसको परसेंटेज में निकाल देते हैं, तो वही एफिशिएंसी हो जाती है। समझ गए? जैसे तुम्हारे तुम्हारे परसेंटेज का क्या मतलब है, तुम्हारे जो नंबर आते हैं क्या परसेंटेज है, टोटल मार्क्स और जो तुमने गेन किया उतना, यानी तुमने पूरे साल में जो पढ़ाई की उसका 70% ही तुम्हारे दिमाग में घुसा, बाकी जो 100% था वो बाहर निकल गया, 30% जो था वो बाहर निकल गया। बात समझ में आ रही? तुम्हारी एफिशिएंसी क्या थी, 70%। तो ऐसे ही इस मशीन के हमें यूजफुल पावर कितनी प्राप्त होगी वो, तो यहाँ क्या लिखना है भाई, ये लिखा है 40%। क्या लिखा है? 40%। तो 40/100 कर दोगे है ना, बराबर यूजफुल पावर तो हमको निकालनी है, ठीक, यूजफुल पावर तो हमें निकालनी है। और इनपुट पावर कितनी है, 25,000। अब तो सॉल्व कर लोगे भैया, यूजफुल पावर निकल आएगी, 2 0 से 2 0 इधर खत्म हो गए, और 25 चौको 100, ठीक है, तो यूजफुल पावर कितनी निकल आएगी, 25 चौको 100, यानी 1,50,000, 10,000। तो ये 25,000, 2,500 था ना, 2.5, 2,500, ठीक है, कितने जीरो आ जाएंगे भाई, 25 चौको 100, 2 0 ये 1,000, कितना आ जाएगा, 1,000 वॉट, यानी कि इसकी यूजफुल पावर कितनी आएगी, यानी हम इसकी केवल केवल 1,000 पावर ही यूज कर सकते हैं, 1,000 वॉट ही यूज कर सकते हैं, बाकी जो 1,500 1,500 वॉट है वो कहाँ जाएगा, वेस्टेज में जाएगा। क्या है? अरे भाई आंसर में डेटा बदला हुआ है, ठीक है, क्या वही आंसर आएगा, किलो वॉट लिखा है ना, चलो अभी चेक करके उसको, उस क्वेश्चन को भी कर देंगे भाई, ठीक है, इतना मत परेशान हो, सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब एक क्वेश्चन ये बता रहे हैं, आठवें का पहला, आठवें का पहला, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ द पावर, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ द पावर 3 किलोवाट, इट यूज 10 hours, हाउ मच एनर्जी डज ही कंज्यूम, हाउ मच एनर्जी डज ही कंज्यूम, उसकी पावर दे रखी है और तुमसे एनर्जी पूछी है कितनी है, एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो भाई एक फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पढ़ाया था है ना, के डब्ल्यू एच का, वाट आर का, तो 1 वाट आर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ वॉट, ये बात पढ़ाई थी, तो बस तुम्हें वॉट में ही निकालना है, तो निकाल दो, डायरेक्ट वैल्यू रखो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको जूल में एक्सप्रेस करना है, तो भाई कर लो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो बार बार। देखो अगले क्वेश्चन कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 3 किलोवाट, देखो अगला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ फटाफट। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं तुमसे, तुमसे कह रहे हैं कि हीटर की पावर कितनी है, हीटर की पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पावर दे रखी है 3 किलो वॉट, ये इसकी पावर है, यानी हम इसको कह सकते हैं क्या, 3,000 वाट कह सकते हैं ना, बताओ, 3,000 वाट ये इसकी पावर है, ठीक। अच्छा अगर अगली बात करते, 3,000 वाट इसकी पावर है तो ठीक, और टाइम कितना दे रखा है, 10 hours, टाइम कितना दे रखा है, 10 hours, 10 hours दे रखा है, बात समझ में आई कि नहीं आई, हाउ मच एनर्जी डज ही कंज्यूम, कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा भैया, इतना ही बताना है, बता लोगे आप लोग, ठीक, क्यों, देखो ये क्या लिखा है, वॉट इंटू टाइम, क्या लिखा है, वॉट इंटू टाइम, क्या वर्क डन होता है भाई, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, अगर हम वर्क को यहीं रख दें और पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन निकल आएगा, बताओ, वर्क डन निकल आएगा, ठीक है, या फिर जो मैंने तुम लोगों को 1 आर 1 वॉट आर के बारे में बताया था वही चीज लिखी है ना, है ना, तो हम सीधी सीधी बात यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो उसने पूछा क्या है, उसने आंसर पूछा है के डब्ल्यू एच में, क्या पूछा है, के डब्ल्यू एच में, किलो वॉट आर में पूछा है, तो भाई पावर को किलो वॉट में रख दो, 3 किलो वॉट कर दो, तभी तो के डब्ल्यू एच आएगा, ठीक है, और जो तुम्हारा टाइम है, टाइम टाइम को क्या कर दो, अब ये आर है, के डब्ल्यू एच में ही पूछा है ना, तो आर को आर में रख दो, समझ में आ रहा है, आर को आर में रख दो, तो कितना आ गया, 30 KW H, 30 किलो वॉट आर, ठीक। अब कह रहा है इसको जूल में चेंज करो, किसमें चेंज करो, जूल में चेंज करो, है ना, तो भाई जूल में चेंज करना है, तो अब ये वॉट लिखा है, देखो जूल में इसी को चेंज करना है, कर दे रहा हूँ फटाफट,
तीस को 30 रहने दो, किलो को 1,000 कर दो, है ना। वाट को क्या लिख सकते हो? जूल पर सेकंड लिख सकते हो ना। आर को भी तुमको सेकंड से काटना है, तो भाई आर को लिख सकते हैं 60 गुणे 60 गुणे सेकंड। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, 10 किस खुशी में भाई, 10 का गुणा कर लिया ना 30 के साथ। ठीक है, पहले ही कर दिया, इसी को तो चेंज करेंगे। इधर देखो तो सेकंड से सेकंड खत्म हो गया, अब जो गुणा भाग करना है वो कर लो। आई थिंक अब आप लोग कर सकते हो। ठीक, देखो 36 और 36 दिया, 36 गुणे 3, 0 कितने आए, 0 कितने आए, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 जूल। अब 3 से गुणा कर लो, 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10, 108 गुणे 10 की पावर 6 जूल। सब बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, किसी क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई। उत्कर्ष इफिशियंसी 100% कभी नहीं हो सकती किसी भी चीज की, क्योंकि अगर किसी मशीन की इफिशियंसी 100% हो गई तो जो वो फ्रिक्शन में लॉस कर रहा है एनर्जी, वो कहाँ से आएगी, है ना। जो एनर्जी वो फ्रिक्शन में लॉस कर रहा है वो कहाँ से आएगी। मान लो तुमने किसी मशीन को चलाने के लिए जितनी एनर्जी दी, अगर वो टोटल एनर्जी आउटपुट निकाल दे रहा है तो उसने अपने चलने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम की होगी ना, वो कहाँ गई, वो आएगी नहीं आएगी। अब भाई उसके ऊपर देखो होता क्या है, मान के चलो कि तुम्हें एक मोटरसाइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल में तुमने पेट्रोल दिया, ठीक। अगर पूरा का पूरा पेट्रोल चलाने में यूज हो जाएगा तो फिर गाड़ी का जो इंजन गर्म होता है वो काय होता है, उसकी एनर्जी कहाँ से आएगी, है। गाड़ी गर्म हो जाती है, धुआं छोड़ती है, उसकी एनर्जी कहाँ चली जाएगी। और जो एयर का फ्रिक्शन लगेगा उसके ऊपर, उसके खिलाफ चलेगी, वो सब एनर्जी लॉसेस कहाँ जाएंगे, उसी के अंदर की एनर्जी जाएंगे ना। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होती है किसी भी चीज की। क्लियर है, अभी बताओ क्लियर है, एक बोलो। भाई ये क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहे हैं, ठीक है, कि द पावर डेवलप्ड बाय हिम टेक जी इज इक्वल टू जी। अरे बस जी की वैल्यू तुम याद रखो कि हमको 9.8 मीटर पर सेकंड लेनी है, उसके हिसाब से करो। तो नहीं पढ़ी तो छोड़ दो, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है, वो एडवांस एडवांस में तुमको दे रखा है, जब पढ़ी तो बढ़िया, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, चलने दो। ठीक है, तो आज से आप लोगों को एक एक मौका और दिया जा रहा है न्यूमेरिकल्स करने का, और कल इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। ठीक, कल सारी बातें बेसिक बेसिक बता के चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को वर्क एनर्जी टाइम के पूरे पूरे नोट्स मिल जाएंगे, मतलब पूरे पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा, और पूरे चैप्टर की वीडियोज आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे और यहाँ पे मिलेंगे, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड मिलेंगे। ठीक, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ में इस तरह से टीचमेंट के थ्रू लाइव कोर्सेज में इंटरेक्ट होकर पढ़ना चाहते हैं, तो जा करके हमारी वेबसाइट पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे आप इसको एक बार देख लें। देखने के बाद क्लास 10th के लिए वहां बना होगा, क्लास 10th कोर्स में जाके एनरोल कर लें, कुछ डेमो क्लासेस होंगी वो देख लीजिए, और इसके बाद वहीं से आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे ऊपर एक फोन की तरह का आइकन बना होगा, वहां पे आप कुछ डिटेल्स फिलअप करेंगे तो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं, और फिर मैं आपको यहाँ एनरोल कर दूंगा और इस क्लासेस को ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट मेरे से वीडियो चैट के थ्रू जुड़ सकते हैं, वीडियो चैट के थ्रू अपने नोट शेयर कर सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं यहाँ पे, बाकी मैं असाइनमेंट आपको दे सकता हूँ, अटेंडेंस लगती है, चैट कर सकते हैं, नोटिस, बहुत बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं। टीचमेंट के बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, ठीक है, जो बाकी एप्स में नहीं पाए गए हैं। ठीक, तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, ओके। बाकी ध्यान रखें अपना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी आप मुझे दे सकते हैं, अच्छा लगे जो आपको सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि इसको और कितना अच्छा बनाया जा सकता है उसके लिए। ओके, चलो बाय।